यह है एमएस धोनी का कमाल। 17 रन की धीमी पारी खेलकर भी हासिल की विशेष उपलब्धि। महेंद्र सिंह धोनी को फैंस ने क्रिकेट का बाहुबली मान लिया है। मौजूदा आईपीएल में धोनी इस बात को बहुत अच्छे से साबित भी कर रहे हैं। उन्होंने कई लाजवाब पारियां खेली और ऐसा लगता है कि बढ़ती उम्र के साथ वे निखरते ही जा रहे हैं। यह तब भी दिखा जब एमएस धोनी ने शुक्रवार को दिल्ली रेड डेविल्स के खिलाफ 17 रन की छोटी पारी खेली, लेकिन इसमें भी उन्होंने एक विशेष उपलब्धि हासिल की। बता दें कि थाला धोनी की टीम को शुक्रवार को दिल्ली की युवा ब्रिगेड से शिकस्त झेलनी पड़ी। हालांकि धोनी पूरे मैच में छाए रहे। दिल्ली ने आईपीएल 2018 के 52वें मैच में पहले बल्लेबाजी की और निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 162 रन बनाए। जवाब में चेन्नई की टीम 6 विकेट खोकर 128 रन ही बना सकी और 34 रन से मुकाबला गंवा बैठी। हालांकि चेन्नई सुपर किंग्स को इस हार से कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वे पहले ही प्लेऑफ के लिए अपना टिकट कटा चुकी है। बहरहाल धोनी ने 23 गेंदों में एक चौके की मदद से 17 रन की धीमी पारी खेली, लेकिन उन्होंने एक खास उपलब्धि अपने नाम की। एमएस धोनी ने टी20 क्रिकेट में अपने 6000 रन पूरे किए। वह ऐसा करने वाले 5वें भारतीय बल्लेबाज बने। धोनी से पहले सुरेश रैना, विराट कोहली, रोहित शर्मा और गौतम गंभीर यह उपलब्धि हासिल कर चुके हैं। धोनी ने 290वें टी20 मैच में यह कारनामा किया। धोनी आईपीएल में भी 4000 रन पूरे करने से सिर्फ 9 रन दूर हैं। वह अब तक 172 आईपीएल मैचों में 3991 रन बना चुके हैं। आईपीएल में अब तक 6 बल्लेबाज ही 4000 या इससे अधिक रन बनाए हैं। मौजूदा आईपीएल में धोनी के 13 मैचों में 430 रन बनाए हैं।